आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव खानपुर गरबी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। 1100 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती सायदा बेगम ने अपने हाथों में संभाल रखी है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं आज भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के खानपुर गर्मी गांव में। यहां प्रधान सायदा बेगम हैं, जिन्होंने काफी विकास यहां अपने कार्यकाल में करवा दिया है। आगे की जो पूरी जानकारी है वो हम यहाँ प्रधान पति से लेकर आपको बताएंगे, तो आइए चलते हैं प्रधान पति के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान, आपकी पत्नी है यहाँ जिनके कार्यकाल को 4 साल लगभग पूरे बीत चुके हैं। क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक अपनी ग्राम पंचायत में करवाए? इंटरलॉक कराई है, इंटरलॉकिंग कराई है, स्कूलों में काफी टाइल्स लगवाई है, काम कराए हैं, उनमें रंगाई पुताई कराई, आंगनबाड़ी में काम कराए हैं, हमने शौचालय काफी बनवाए हैं। ODF हो गई ग्राम पंचायत जी, ODF हो गई हमारी पंचायत, और उसमें हमारे यहाँ आवास बने हैं, लगभग 30 आवास बने हैं, और जो नरेगा से हमने खरंजे कराए हैं, नरेगा से कच्चे काम कराए हैं। जो सरकार की योजनाएं, सरकार केंद्र सरकार जो योजनाएं गरीबों के लिए लागू करती है, क्या वो आपके गांव में सभी को उनका लाभ मिल जाता है? लगभग सभी को मिल रहा है। विकलांग पेंशन कराएंगे, विधवा पेंशन कराएंगे, साठखाला पेंशन कराएंगे, लगभग ज्यादातर हमने निपटा चुके हैं। किसानों के खाते में सम्मान निधि, किसानों के खाते में बराबर समय पैसे आए हैं, कुछ लोग रह गए हैं, बाकी समय आ गए हैं जी। किसी में किसी के 2000 रह गए हैं, किसी के 4 रह गए हैं, किसी की अभी आए नहीं, बाकी आपकी कोशिशें जारी है। जारी कोशिश है हमारी, सत्या है जी। यहाँ पर सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं, कुछ नहीं लगाया गया, क्योंकि काम उससे साइड से हटके हम अलग करा रहे हैं, उसमें गड्ढे बनवाए हैं, ये जो गड्ढे होते हैं जल निगम वाले उसके वाले बुधवाए हैं, सोखते वाले बुधवाए हैं, जो कि जल पत्र जी वो हमने बुधवाए हैं, और मैं पानी वाले सरकारी घरों का गड्ढे में जाएगा जी। तो अब यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग स्कूल के अलावा बारात घर है? नहीं नहीं है। पंचायत भवन नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान, खेल का मैदान है। प्रधानजी, स्कूल में इतना सौंदर्यकरण आपने करवाया है, क्या इससे आपको स्कूल में शिक्षा में कोई बदलाव नजर आया है? शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशानी का सामना शिक्षा के बारे में जी। मास्टरनी है दो जी, एक आती है एक नहीं आती है, आती है 4 दिन में 2 दिन में हाजिरी चढ़ा देती है, 27 दिन मेडिकल के नहीं, तो 27 दिन के बाद आन के उन्होंने अपनी हाजिरी चढ़ाई है, मतलब कि अनुपस्थित होते हुए भी उनकी जो प्रेजेंट है वो कंटिन्यू रजिस्टर में शो हो रही है। जी जी, बराबर हो रही है, बराबर हो रही है। और 26 जनवरी वाले दिन वो नहीं आए, और दूसरे दिन को आन के उन्होंने अपनी हाजिरी चढ़ा दी। 26 जनवरी की हाजिरी उन्होंने जो है चढ़ा दी, उन्होंने वो नहीं आई 26 जनवरी वाले दिन, उन्होंने झंडा फहराया। ये दूसरे गाँव में है, इसमें समझी है बाउंड्री वॉल वगैरह हो रखी है, शमशान घाट की नहीं बाउंड्री वगैरह, कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं, कब्रिस्तानी बाउंड्री नहीं है, अस्पताल ही नहीं। आसपास कितनी दूर अस्पताल यहाँ से आपको? यहाँ से इसमें लगता है मेहमतपुर में छोटी विरान जाए तो एक बड़ा अस्पताल घाट है जी, तो काफी दूर यहाँ पे जो है जाना, लगभग 10 किलोमीटर जी। क्या आपने कभी कोशिश की यहाँ पर अस्पताल निर्माण के लिए रेलवे को? हमने कोशिश करी थी, हमने DM साहब को भी दिया था लिख के, हमारे यहाँ बीमारी ज्यादा है, इधर पीछे हमारे नदी का पानी काला आता, सामने नहर का पानी काला आता, उसमें हमारे कोई वही नहीं। यहाँ सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की व्यवस्था बराबर है, सफाई कर्मी आते ही नियमित सफाई की होती है जी, सफाई कर्मी सफाई करते हैं। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? अभी हमने सूची बना के दी है 2016-17 की, 17-18 में जो हमने सूची बना के दी है, उसमें हम जो बाकी लोग रहते थे उन सबके नाम अपनी दी है, सूची फिटिंग हो गई है नेट पे। क्या कच्चे सड़कें अभी भी बाकी हैं गांव में? हाँ बाकी है, जो बाकी है करा रहे हैं। लगभग अभी तो मेरे आड़े में इसमें 1000 मीटर के हिसाब से कम से कम पड़ जानी चाहिए, जितनी छोटी पंचायत है थोड़ा पैसा आता है, जितना पैसा आता है उतना यूज करते हैं जी। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? हमारी मांग यह है, सबसे पहले हमारे गांव में पानी की टंकी होनी चाहिए बड़ी, सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ बीमारी ज्यादा ज्यादा बढ़ी, पानी काफी बहुत परेशानी, बहुत लोग बीमार हैं, काफी यहाँ लोग
कैंसर से पीड़ित हो गए हैं, काले पीलिए से पीड़ित हो गए हैं, हार्ट के बहुत मरीज हैं, बहुत काफी बीमारियां हैं जिससे ये हो सकता है इस वजह से पानी की वजह से ये काय है। सबसे मेन मांग हमारी है पहले कि हमारे यहाँ कमी लगनी चाहिए। इसके अलावा बड़ा पंचायत बड़ा घर भी होना चाहिए, नहीं है यहाँ पंचायत घर भी नहीं है यहाँ, अस्पताल की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। जैसा कि आपने देखा प्रधानमंत्री से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ वैसे तो करवाया जा चुका है, सीसी का कार्य आवाज भी मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो गया है, स्कूल में भी काफी सौंदर्यीकरण इन्होंने करवाया है जिससे छात्रों को काफी सुविधाएं अब मिल रही है। लेकिन यदि समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो यहाँ काफी समस्याएं सामने आई है। सबसे जो प्रमुख समस्या यहाँ की है और प्रमुख मांग यहाँ है कि पानी यहाँ पीने का जो है बहुत ही ज्यादा दूषित है जिससे लोगों को काफी तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इस गांव में काफी बीमारियां फैल रही हैं, कई लोग कैंसर पीड़ित हैं और तरह तरह की कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से यहाँ प्रधान चाहते हैं सबसे पहले यदि सरकार उनकी जागरूकता पर ध्यान दे तो ओवर एंड टैंक के लिए वो यहाँ मांग रखते हैं। इसके अलावा बारह पंचायत घर को लेकर भी उनकी मांग है, अस्पताल के लिए भी यहाँ मांग रखते हैं क्योंकि अस्पताल यहाँ से काफी दूर है, मरीजों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम आपका? निशु गौतम। किस पद पर आप ये विद्यालय में? मैं सहायक अध्यापक। अच्छा, यहाँ प्रधान जी द्वारा क्या क्या विकास कराया है स्कूल में? प्रधान जी द्वारा यहाँ हमारे प्रांगण में टाइल्स लगवाई हैं और इंटरलॉकिंग सब उन्होंने कराई है और पुताई भी, और ये सारी जो पेंटिंग है सब प्रधान जी द्वारा कराई गई है। समय देते हैं विद्यालय के लिए प्रधान जी? हाँ, जब जरूरत होती है तो समय समय पे आते हैं।